वेलकम टू माय JF इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि केसिंग कैपिंग वाली जो हमारी वायरिंग होती है, तो वायरिंग में जो हमारे आइटम यूज़ होते हैं तो उनका क्या नाम होता है और उनके नाम के साथ उनका क्या काम होता है और उनके क्या प्राइस होते हैं, किस रेट में वो आइटम मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और यह वीडियो देखने से आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। और बहुत लोग होते हैं कि जिन्हें आइटम नहीं पता होता है, तो हम इस तरह से वीडियो बनाएंगे कि वो आइटम भी याद कर ले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये केसिंग कैपिंग वायरिंग वाला मटेरियल का कुछ आइटम हमारे पास ये रखे हुए हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आइसोलेटर है दोस्तों। ये 40 एम्पियर का आइसोलेटर है। इसका काम मैं MCB के मैन बोर्ड में वहाँ पर लेते हैं कि इससे हम अपनी लाइन को कट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये हम इसको जब नीचे को पुश करेंगे तो यहाँ अंदर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का इंडिकेट हो जाएगा, तो ये लाइट को मतलब कट कर देगा। और ये रेड कलर का जब आप देखेंगे तो ये इसका मतलब ये खतरा है डेंजर। इसके रेट की अगर हम बात करें तो ये आपको 300 रुपये के रेट के समथिंग आता है। उसके बाद हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये MCB है, ये 6 एम्पियर की है। इनसे भी हमारी जो शॉर्ट सर्किट होती है तो वो ट्रिप करती है, कहीं पर अर्थिंग होती है तो ये ट्रिप कर जाती है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 110 रुपये के समथिंग में मिल जाएंगी। सेम ये भी आप देख सकते हैं, ये 16 एम्पियर की MCB है, तो इनका भी काम वही होता है और ये भी आपको 110 रुपये के समथिंग में मिल जाएंगी। उसके बाद हम आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं है केसिंग कैपिंग है, ये नीचे का है। और ये है, अगर इसके रेट की बात करें तो ये आपको 40 रुपये, 45 रुपये, 35 रुपये के समथिंग में आती है। और उसके बाद हम आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, मेरे पास ये केसिंग पिन है, इनकी मदद से हम इसको इसी फंटी को रोकते हैं। और इसकी बात करें तो ये पैकेट के हिसाब से आती हैं, तो ये एक पैकेट 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये के करीब में आती है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्लिक का टेप है दोस्तों। ये आपको बहुत से कलरों में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने हरा, लाल और काले कलर के टेप को परचेज़ किया है। और इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 10 रुपये, 15 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। तो वायर की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा वायर है, तो ये 1.5 mm का वायर है। ये एंकर पैनासोनिक कंपनी का है और अच्छा वायर होता है। तो इसके अगर हम इसका यूज हम वहाँ पर लाते हैं कि हमारे जो रूम की सर्किट होती है मैन जो, तो उसमें हम इसको 1.5 square mm को यूज़ में ला सकते हैं। और इसके रेट की अगर बात करें तो ये आपको आज के रेट में अगर बात करें तो 1540, 1535, 1550 रुपये के समथिंग में मिल जाएगा। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं 1 mm है, तो इसका यूज़ हम वहाँ पर लाते हैं जैसे कि ट्यूबलाइट, फ़ैन और 6 एम्पियर सॉकेट और इन्वर्टर की मेन लाइन डालना है तो उसमें हम यूज़ में लाते हैं। इसके अगर रेट की बात करें तो ये आपको 1040 रुपये का मिल जाएगा बंडल। और उसके बाद हम आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये 0.75 वायर है। इसका भी यूज़ हम जहाँ पर हमें कम से कम लोड चाहिए होता है तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। और इसके अगर हम रेट की बात करें तो ये आपको 700, 750, 800 रुपये के समथिंग में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे एंकर कंपनी का होल्डर है। ये आप देखेंगे तो आपको अंदर ये दिख रहा होगा, ये आपको 35 रुपये के समथिंग में आपको मिल जाएंगे बॉक्स हैं। तो इनका यूज़ हम वहाँ पर लाते हैं, ये हमारे जो होल्डर होते हैं तो ये होल्डर इसी के ऊपर ये लगते हैं और ये हमारे वाल में लगता है ये जैक्सन बॉक्स। इन दो स्क्रूओं की सहायता से हम अपने होल्डर को टाइट करते हैं। तो ये आपको 8 रुपये, 10 रुपये के रेट में आपको ये एक पीस मिल जाएगा। और उसके बाद हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये सीलिंग रोज है, ये आप देखेंगे तो इनका यूज़ हम जैसे कि हमें ट्यूबलाइट के कनेक्शन या फैंसी लाइन सीलिंग फ़ैन में इस्तेमाल में लाते हैं।
और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये 20 रुपये 25 रुपये के समथिंग में आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये 6 mm की गुल्ली के पैकेट हैं, गिट्टी हैं, बहुत से लोग इन्हें गिट्टी भी कहते हैं। इनका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जैसे कि हमें बोर्ड को फिट बोर्ड को लगाना है या होल्डर लगाना है या ट्यूबलाइट लगाना है, तो इनको हम अपने हैमर की मदद से होल करके इसको वाल में लगाते हैं। इसके ऊपर हम ब्लैक पेंच या वाइट पेंच को इस मदद से हम अपने आइटम को टाइट करते हैं। तो इसके प्राइस की बात करें तो आपको ये 20 रुपये 25 रुपये के समथिंग में मिल जाएगा। उसके बाद हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लैक के स्टार पेंच पड़े हुए हैं, ये चाइना ब्लैक स्टार पेंच है। इनकी ग्रिप बहुत अच्छी रहती है, तो इनका भी यूज़ हम बोर्ड है, MCB बॉक्स है, ट्यूबलाइट है और बहुत से प्रकार के कामों में लाते हैं। तो इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 75 रुपये पैसे 1 रुपया का पीस ऐसे अपने मार्केट के हिसाब से ये आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक MCB बोर्ड है, ये 4-way का है, नॉर्मल बोर्ड है। तो इसकी अगर हम प्राइस की बात करें ये तो ये आपको 65-70 रुपये के समथिंग में मिल जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं ये आप देख सकते हैं ये एरियंट कंपनी का डबल डोर का ये MCB बॉक्स है। तो ये 6-way का MCB बॉक्स है और इसका यूज़ भी हम अपने MCB के उपयोग में लाते हैं, आइसोलेटर, MCO। तो हमारा ये मेन बोर्ड हमारा यही होता है, इसी से हमारे घर की जो जितनी भी सप्लाई होती है, सर्किटें बनती हैं, तो सब इसी से उठकर हमारे घर में बढ़ जाती हैं। तो इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये आपको 600 रुपये 650 रुपये 700 रुपये के समथिंग आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये एंकर कंपनी का वायर है। तो ये मैंने 2.5 mm का वायर को परचेज़ किया है और दोस्तों इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये आपको 30 रुपये 32 रुपये 35 रुपये के समथिंग मीटर में आपको ये मिल जाएगा। और इसका यूज़ हम घर की मेन सप्लाई या AC के रूम में मतलब इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास 6 एम्पियर के ये एंकर राइडर जो हमारी सीरीज होती है तो उस मॉडल सॉकेट है। तो ये आप देख सकते हैं कंपनी ने बहुत अच्छे फीचर्स दिए हैं। इनसे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो छोटे लड़के होते हैं तो वो इन सॉकेटों के अंदर अपनी जो उंगली होती है तो उसको नहीं डाल सकते हैं। इसमें आप 3-pin टॉप लगाओगे तभी ये ओपन होंगे। तो इनका यूज़ हम मोबाइल चार्जर या से कम जहाँ हमें लोड फैन चलाना है या जो मतलब छोटे टेबल फैन चलाना है तो उनके इस्तेमाल में लाते हैं। अगर इसकी प्राइस की हम बात करें तो ये आपको 65 रुपये 62 रुपये के समथिंग में मिल जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे 6 एम्पेयर के एंकर राइडर के स्विच हैं। तो इनकी भी अगर हम इनका उपयोग हम अपने ट्यूबलाइट फैन और नॉर्मल सॉकेट के लिए और जो है अपने फैंसी लाइट के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो अगर हम इसका प्राइस की इसके बात करें तो ये आपको 25 रुपये 20 रुपये 30 रुपये के आपकी मार्केट एरिया के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास पावर्स के सॉकेट हैं, ये 20 एम्पियर के सॉकेट हैं। तो इनका यूज़ हम इंडक्शन है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, मोटर है, फ्रीज है और जहाँ पर हमें हैवी लोड चाहिए होता है तो वहाँ पर हम इसका उपयोग लाते हैं। कंपनी ने इसमें भी अच्छे फीचर्स दिए हैं कि इसमें जब भी आप 3-pin टॉप लगाओगे तभी इसकी ये जो अंदर की ये जो प्लास्टिक है ये ओपन होंगे और आप इसमें अपने टॉप को लगा सकते हो। तो इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो ये आपको 95 रुपये के समथिंग में आपकी एरिया के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये रेड कलर के आइकन आपको जिस भी स्विच में दिखे तो आप ये समझ जाना कि ये हमारा पावर स्विच है, मतलब ये 20 एम्पियर का स्विच है या 16 एम्पियर का स्विच है। तो इसका यूज़ भी हम इन्हीं सॉकेट के साथ में करते हैं कि जहाँ पर हमें मोटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, कूलर और हैवी लोड चाहिए तो वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल में लाते हैं। तो अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो ये आपको 55 रुपये 60 रुपये 65 रुपये के समथिंग में आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये इंडिकेटर पड़े हुए हैं, इंडिकेटर ये एंकर राइडर कंपनी के हैं।
इनका वर्क ये होता है, काम ये होता है कि इनका यूज़ हम अपने बोर्ड में लगाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो विद्युत की सप्लाई है गवर्नमेंट वाली, वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 60 रुपये, 55 रुपये, 50 रुपये के समथिंग में ये मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मॉड्यूलर रेगुलेटर हैं, तो डीमर भी बहुत लोग बोलते हैं। इसका यूज़ हम अपने फ़ैन के स्लो और फास्ट, धीम तेज करने में लाते हैं। तो इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो ये आपको 200 रुपये, 250 से 200 रुपये से नीचे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये हमें 220 रुपये के रेट में पड़े हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ब्लैंकेट हैं, ये डमी भी इनको बोलते हैं। ये इनका यूज़ हम वहाँ पर लाते हैं, जैसे हमें इस बोर्ड में एक स्विच नहीं चाहिए, तो इसका हम का यूज़ हम ऐसे अपने बोर्ड में लाते हैं कि हमें जहाँ पर बोर्ड में जगह बच रही होती है तो वहाँ पर इनका हम इस्तेमाल ला सकते हैं। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 12 रुपये, 15 रुपये के समथिंग में आपको ये पड़ जाएंगी। ये हमारा मॉड्यूलर ओपन बोर्ड है, तो ये प्रेस फिट कंपनी का है। तो ये इसका यूज हम जहाँ पर हमें 12 स्विच या 2 4 साकेट और 4 स्विच लगाना है, आपके हिसाब से कितने स्विच लगाना है, तो ये आपको 12 वे का बोर्ड आपको 125 रुपये के रेट में मिलेगा। फिर हम आपको दिखाएं, ये 8 वे का बोर्ड है, तो ये भी मॉड्यूलर बोर्ड है, तो इसका रेट हम आपको बताएं तो ये 110 रुपये, 105 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। फिर हम आगे चल के आपको दिखाएं, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक 6 वे का बोर्ड है, तो इसका रेट की बात करें तो ये आपको 85 रुपये, 90 रुपये के रेट में आ जाएगा। फिर आपको दिखाएं, ये 3 वे बोर्ड, इसका यूज़ हम लाते हैं जैसे कि हमें पावर बोर्ड बनाना है, एक सॉकेट, एक स्विच लगा करके फ्रिज, वाशिंग मशीन के लिए। तो इसकी रेट की बात करें तो आपको ये 55 रुपये के समथिंग में मिल जाएगा। फिर हम आगे चल के आपको दिखाएं, तो ये आप देख सकते हैं, 4 वे का बोर्ड है, तो जिसमें इसमें हम क्या 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 आइटम लगा सकते हैं, जैसे कि 4 स्विच लगा सकते हैं, एक सॉकेट, एक उसका स्विच, एक इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 65 रुपये के समथिंग में आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, सूर्या कंपनी की 20 वाट की ट्यूबलाइट है, तो ये भी हमें, ये हमें रूम में, हॉल में, जहाँ पर हमें ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो ये आपको अपनी एरिया के हिसाब से 200 रुपये, 220 रुपये, 180 रुपये के समथिंग में आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे रेट में कुछ डिफरेंट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल JF इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम पास में लगे बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स।